हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन हेल्दी एंड टेस्टी फूड में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मिक्स वेज का अचार। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मैं मिक्स वेज अचार बनाने के लिए कौन कौन सब्जी ली हूँ। ये मैं 250 ग्राम धनिया पत्ता ली हूँ, आधा केजी गाजर है, 250 ग्राम हरी मिर्च है, और ये 250 ग्राम ये अदरक है, 4-5 बड़ी जो लहसुन होती है वो है, सबको मैं छील कर ले ली हूँ, और एक बड़े साइज़ का पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी से बंद गोभी भी बोला जाता है। इसे मैं देखिए बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग कर दी हूँ, और गाजर का छिलका हटा कर इसे धो करके ले ली हूँ। जितने भी वेजिटेबल्स हैं मैं सबको धो के अच्छे से वॉश करके ले ली हूँ। अब क्या करूँगी मैं कि जो भी वेजिटेबल्स ली हूँ सबको मैं, ये तो पत्ता गोभी तो का कटिंग किया हुआ है और जो भी बचा हुआ है इसे मैं इस तरीके से देखिए कटिंग कर लूँगी सबकी। ये लंबे लंबे स्लाइस में से कट कर लेना है इस तरीके से, बिल्कुल पतला पतला। ये देखिए मिर्चा को क्या करना है, ये हरी मिर्च को लेकर के इस तरीके से दो टुकड़े करने हैं और थोड़े से बीच से ऐसे कट लगा देनी है। जो भी सब्ज़ी है मैं कटिंग कर लूँगी इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी सब्ज़ी ली थी सबको मैं बारीक काट ली हूँ। मिर्ची को दो टुकड़ों में कर ली हूँ, अदरक को लंबे पीसेज में काटी हूँ, लहसुन को भी लंबे पीसेज में, गाजर भी काट ली हूँ, ये धनिया पत्ता और ये पत्ता गोभी। फ्रेंड्स, अब जो भी सब्ज़ी मैं ली हूँ सबको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में अच्छे से फैला कर मैं रख दूँगी, ताकि जो भी सब्ज़ी में जो पानी रहता है और जो भी सब्ज़ी की नमी है वो सब धूप में सूख कर ख़त्म हो जाए और मेरा जो अचार है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। पानी का थोड़ा सा भी अंश नहीं रहना चाहिए कोई भी वेजिटेबल्स में। तो मैं सारे सब्ज़ी को जा रही हूँ धूप में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए, और बीच बीच में जा कर के सब्ज़ी को मतलब पलटते रहना है इधर उधर, अच्छे से मतलब सुखा लेना है चारों तरफ से, पानी का बिल्कुल अंश नहीं रहना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं धूप में सूखने के लिए सारे सब्ज़ी जो भी ली थी अचार बनाने के लिए वो धूप में रख दी हूँ सूखने के लिए, और तब तक से देखिए अब उसके बाद क्या करना है। फ्रेंड्स, ये मैं शौफ ले ली हूँ, जीरा है, थोड़ी सी ब्लैक वाली राई है, सरसों, एक खड़ा धनिया है, और ये येलो वाली सरसों है। ये सबको मैं क्या करूँगी, ये मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करके इसका पाउडर बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें सूखे मसाले को मैं 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। मसाले को रोस्ट करके लेने से क्या होता है ना कि अचार काफ़ी टेस्टी लगता है और मसाला का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा रोस्ट करने से मसाला अगर जल जाएंगे तो वो भी सही नहीं लगेगा, टेस्ट बिल्कुल बेकार आएगा। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, उसके बाद जब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका पाउडर बनाऊँगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब मसाले पूरे चटकने लगे हैं, अच्छे से भून गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और वेट करूंगी इसे ठंडा होने का। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं और जो भी सब्ज़ी मिली थी सब सूख गए हैं, पानी अब बिल्कुल नहीं है इसमें। और एक बड़ा बर्तन ले लूँगी, इसमें सब मसाले को मैं ऐड करूँगी, चाकू मिक्स करूँगी। और ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून मरीच है और 1 टेबल स्पून मेथी है। मेथी को मैं हल्का रोस्ट करके और मेथी और मरीच को मैं दरदरा कूट ली हूँ। और ये 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर है, ये अजवाइन है, ये सबको मैं खड़ा लूँगी। और ये जीरा सरसों सौंफ का जो मैं पाउडर बनाई हूँ वो है, और 1 कप मस्टर्ड ऑयल ले ली हूँ, सरसों का तेल, और हल्दी पाउडर और नमक। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं सबसे पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जो भी मसाले हैं सबको मैं इसमें डाल दूँगी, अजवाइन, अमचूर पाउडर, मेथी दाना और मरीच। हल्दी पाउडर नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और ये सरसों का तेल, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके सब जो भी सब्जी ली हूँ सबको इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स ये जो अचार है वो सर्दियों में ही ज़्यादातर खाया जाते हैं, सर्दियों की खास मिक्स अचार है ये। थोड़ा थोड़ा डालकर सब्जी को ही मिलाना है, हल्दी पाउडर इसमें और आएगा। फ्रेंड्स ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और जल्दी से बन भी जाता है। और इसे मिक्स करके 2 से 3 दिन के लिए धूप में कोई एक डब्बा में बंद कर दीजिए, और बंद करके 2 से 3 दिन के लिए धूप में इसे रखिए। उसके बाद ये अचार तैयार हो जाता है खाने के लिए।
एक ही बार में सब्जी नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और अभी उतना तेल नहीं डालना है फ्रेंड्स, दो दिन बाद जब ये और गल जाएगा, गल कर या अचार का जो क्वांटिटी है थोड़ा कम हो जाएगा, दो दिन तक धूप में रखना है इसे। और दो दिन बाद जब अच्छे से अचार गल जाएगा उसके बाद और इसमें आप तेल को ऐड कर दीजिएगा, अभी ज़्यादा नहीं डालना है। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स अचार से, क्योंकि मसाले ना भून रोस्ट करके लेने के बाद ना बहुत ही उसका जो टेस्ट है दुगना हो जाता है, और स्मेल भी काफ़ी, खुशबू भी काफ़ी अच्छा आता है उससे अचार से, और खाने में भी टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी मिक्स वेज अचार बनकर तैयार हो गई। बहुत ही यम्मी लगती है अचार खाने में, आप लोग भी एक बार इसे बनाइएगा, क्योंकि ये सर्दियों की खास अचार है, सर्दियों के दिन में ही इसे बनाए जाते हैं। और सब्जी आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं पत्ता गोभी ली हूँ, आप फूल गोभी भी ले सकते हैं, इसमें आप मूली का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं ली हूँ, जो जो वेजिटेबल मुझे पसंद था मैं उसी वेजिटेबल से बनाई हूँ। और भेज मिक्स वेज अचार में फ्रेंड्स आप सब्जी अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और लेकर इसी प्रोसेस सेम प्रोसेस से बना सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पे भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।